नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम, स्वागत है सिमडेगा समाचार के हमारे डेली अपडेट्स में। लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है, इसमें सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और जिला प्रशासन की दी गई सभी प्रकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो चलिए आज की सभी प्रकार की खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं। सिमडेगा जिला में इन दिनों प्रवासी मजदूरों को लाने का कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में उपायुक्त सिमडेगा श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने पहल किया है। पहल करने के साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित केरल, कर्नाटक सहित कई जगहों से मजदूरों को लाने का कार्य किया जा रहा है, जहां SS प्लस टू उच्च विद्यालय पर बने रिसीविंग सेंटर में सभी लोगों को लाने के बाद बारी बारी से सभी लोगों का मेडिकल जांच कराते हुए उन लोगों को हाथों में स्टैंपिंग लगाकर उन लोगों को जानकारी दिया। लोगों से बताया है कि किसी भी कीमत में होम क्वारंटाइन के नियमों को उल्लंघन ना करें और घर पर ही रहें। आपकी सुरक्षा को लेकर 21 दिनों तक आप घर पर रहें, उसके बाद आसानी से आप आम जनजीवन की भांति जी सकते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे चिन्हित करते हुए सभी लोगों के हाथों में स्टाम्प करके उनको घर भेजा। इसके अलावा उपायुक्त सिमडेगा ने नियंत्रण कक्ष में बैठक करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं और होम क्वारंटाइन नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें जेल क्वारंटाइन करें, साथ ही उनके ऊपर मामला दर्ज करें। किसी भी कीमत में नियमों को उल्लंघन करने वालों को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं लगातार कोलेबीरा में इन दिनों बैंकों में काफ़ी भीड़भाड़ का माहौल दिख रहा है। इसी के तहत ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित जितने भी बैंक हैं, सभी जगहों पर भीड़ दिख रहा है। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकालने आ रहे हैं। वहीं बैंक के अधिकारियों ने बताया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी भीड़भाड़ ठीक नहीं। वहीं उपायुक्त सिमडेगा ने ई मुलाकात के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारियों से सीधी मुलाकात करते हुए कहा कि क्षेत्र में देसी शराब भारी मात्रा में बनाए जाने की सूचना मिल रही है, जिस पर छापेमारी अभियान चलाएं और चिन्हित करते हुए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजने काम करें। वहीं जादूगर आनंद जैन ने पलामू की ओर जा रहे साइकिल से कुछ लोगों को जलपान का व्यवस्था कराया। इस पर उन्होंने बताया कि सुंदरगढ़ से लगातार 2 दिनों से चलते हुए पलामू की ओर जा रहे हैं, जिस पर भोजन की काफ़ी समस्या हो रही है, जिस पर जादूगर आनंद जैन ने तत्काल उन लोगों के लिए ब्रेड और पानी की व्यवस्था किया। इस कार्य को देखते हुए लोगों ने उन्हें बधाई दिया है। वहीं जिला प्रशासन लगातार छत्तीसगढ़, बिहार, अन्य पड़ोसी राज्यों से साइकिल और पैदल के माध्यम से आ रहे लोगों को एक जगह रखते हुए उन्हें जलपान कराया। तत्पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा उनके लिए बस एवं अन्य प्रकार की सुविधा करते हुए उन्हें घर भेजने की बात कही। उन्होंने बताया, यहां से कोई भी निराश नहीं जाएगा। उपायुक्त सिमडेगा एवं पुलिस अधीक्षक सिमडेगा ने समाहरणालय के गेट पर बिना छुए हाथों को सैनिटाइज करने वाला मशीन अधिष्ठापित करवाया है। उन्होंने बताया कि इस मशीन से इसको छुए बिना ही हाथ को सैनिटाइज करने में मदद मिलेगी, जिससे कि संक्रमण जैसी खतरा नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की मशीन लगवाया जाएगा, ताकि संक्रमण का खतरा ना फैले। वहीं अल्फला सोसाइटी सिमडेगा एवं जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनर्स कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में ब्लड डोनर्स का आगमन हुआ और सभी लोगों ने बारी बारी से ब्लड डोनर्स किया। इससे पूर्व विधिवत रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कैंप का उद्घाटन किया था, जिस पर कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए थे। इन दिनों बांसजोर में गैस की काफ़ी किल्लत हो रही है। महिलाएं सुबह से घंटों लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं, इसके बाद भी LPG गैस नहीं आती है, जिसके बाद महिलाओं ने काफ़ी आक्रोश जताया है। इस पर वहां के स्थानीय ग्रामीण एवं समाज सेवियों ने भी कहा है कि प्रखंड प्रशासन से अपील होगा, जल्द से जल्द बांसजोर प्रखंड में भी गैस एजेंसी हो, ताकि उज्ज्वला गैस का भरपूर ग्रामीणों को लाभ मिल सके। वहीं बांसजोर थाना क्षेत्र के तरगा के समीप अनियंत्रित होकर बिजली की पोल को मारते हुए टेलर सीधे खेत में अनियंत्रित होकर जा गिरी। इस पर बताया कि किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं हुआ, हालांकि गाड़ी का शीशा टूट गया और खेत से नीचे है, जिसमें चालक और खलासी सुरक्षित हैं। पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पाकेडांड प्रखंड पर कांसजोर जलाशय में चलने वाली परियोजना में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसकी जानकारी लेने के लिए झारखंड प्रदेश मजदूर यूनियन के नेता राजेश कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने बताया,
काम के बदले में मजदूरों को सही दाम नहीं मिल रहा है, इसके अलावा काम में भी गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में जिला के उपायुक्त से बात करते हुए वहां पर जांच कराऊंगा ताकि लोगों को सही मात्रा में राशि मिल सके। वहीं तामड़ा पंचायत में लगने वाला साप्ताहिक बाजार सोशल डिस्टेंस के साथ लगते हुए देखा गया, जहां पर लगातार जवानों की गश्ती भी जारी रही और फल सब्जी बेचने वाले किसानों को भी चेहरे पर तौलिया मास्क के साथ देखा गया। वहीं मुखिया ने निश्चित दूरी के साथ सभी दुकानों को लगवाया था ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा सके। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार सिन्हा के द्वारा बेंदोजोर की इमादनी कुजूर के कम राशन देने के मामले में 2,16,800 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें जल्द से जल्द 2 दिनों के अंदर ये राशि भरने की बात कही है। राशि नहीं भरने में लाइसेंस रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।